हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो होती है वो हम जनरली पढ़ते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में इसका पढ़ने का रीज़न ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली रेंडमली मोशन कर सकते हैं। और रेंडमली मोशन करने की वजह से जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में वेलोसिटी होती है। तो यानी कि रेंडम मोशन होता है गैस के मॉलिक्यूल में, रेंडम मोशन होता है। और रेंडम ये मोशन होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में अपनी वेलोसिटी रहती है। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में अपनी कुछ वेलोसिटी रहती है, और ये वेलोसिटी हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट रहती है। डिफरेंट वेलोसिटी रहती है हर मॉलिक्यूल्स के पास में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स रहता है, मुझे कोई भी अगर गैस दी हुई है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडम मोशन करते हैं, और रेंडम मोशन करने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी होती है, और वो जो वेलोसिटी होती है उनके पास में वो डिफरेंट होती है। यानी हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास में किसी कंटेनर में मान लो किसी भी गैस के एन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, मान लो एन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हर मॉलिक्यूल्स मान लो एन वन एन टू एन थ्री डैश 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 एन मॉलिक्यूल्स है, तो हर मॉलिक्यूल जो रहेगा मेरा एन वन मॉलिक्यूल्स उसकी वेलोसिटी रहेगी मेरी वी वन, एन टू जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा उसकी वेलोसिटी मेरी रहेगी वी टू, एन थ्री जो मेरा मॉलिक्यूल्स रहेगा उसकी वेलोसिटी मेरी रहेगी वी थ्री, और मेरा जो एन मॉलिक्यूल्स रहेगा उसकी वेलोसिटी रहेगी वी एन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो गैसियस स्टेट रहती है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अपनी अलग अलग वेलोसिटी से वो मोशन करता है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की, तो हम इन जनरली तीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पढ़ते हैं। नंबर एक पर जो हमारी आती है वो आती है हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, नंबर दो पे हमारी आती है वो आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, और नंबर तीन पर हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उन वेलोसिटी को हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम तीन जो वेलोसिटी है हमारी, जिनको इन जनरली हम गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, या गैसियस स्टेट जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारी आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, नंबर फर्स्ट पर हमारी आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो रहती है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मैक्सवेल का जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन वाला जो ग्राफ है वो समझना पड़ेगा। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया था, मैक्सवेल साहब ने जब एक गैसियस स्टेट में जब एक सैंपल का जब उन्होंने एनालिसिस किया, तो उन्होंने क्या पाया कि जो गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मान लो ये मेरी कोई गैस रखी हुई है, ये मैक्सवेल साहब ने देखा कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस गैस के सैंपल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स इस जो जिस कंटेनर में रखा हुआ है, इस कंटेनर की वाल पर कंटिन्यू स्ट्राइक करता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स इस वाल पर स्ट्राइक करेगा, इस वाल पर स्ट्राइक करने पर जो ये मॉलिक्यूल्स रहता है हर टाइम हर इंस्टेंट पर अपनी वेलोसिटी चेंज करता है, हर इंस्टेंट पर इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी इसकी चेंज होती है। इसकी वेलोसिटी चेंज होने का रीजन ये है कि अगर मान लो ये मॉलिक्यूल किसी इंस्टेंट पर, ये मान लो फेस ए है और ये फेस बी है, अगर मान लो ये इस इंस्टेंट पर ये मेरा मॉलिक्यूल्स ए से स्ट्राइक किया और इस इंस्टेंट पर ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो अब मेरा बी जो फेस है उसकी डायरेक्शन में चलने वाला है, तो इस केस में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स अगर कहीं से भी मान लो इस फेस पर टकराया होगा, ए फेस पर आया होगा, मान लो ये फेस सी से फेस ए पर आया था, जब ये फेस ए पर स्ट्राइक करने से पहले ये फेस सी से फेस ए पर आया था, इस समय मान लो इस मॉलिक्यूल्स की कुछ भी वेलोसिटी रही होगी, वी सी इसकी वेलोसिटी रही होगी, जब ये मॉलिक्यूल्स इस फेस ए से जब स्ट्राइक करी होगी, जब ये इस मॉलिक्यूल्स ने इस फेस ए से स्ट्राइक करी होगी, तो एक बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट, बहुत ही छोटे टाइम के लिए ये मॉलिक्यूल्स जो था, ये मेरा मॉलिक्यूल्स था, ये रेस्ट में आ गया हुआ, यानी कि इस टाइम पे इस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी जीरो हुई होगी, जब जाके इस मॉलिक्यूल्स ने वापस से अपनी डायरेक्शन चेंज करके बी फेस की ओर डायरेक्शन करी होगी, या बी फेस की ओर मोशन करने लगा होगा। आया समझ में? सिंपल भाषा में हम कहें कि अगर मान लो ये मॉलिक्यूल्स फेस सी
फेस सी से फेस ए पर जब स्ट्राइक हुआ होगा, तो फेस सी से जब ये चलकर आया होगा तो फेस ए पर स्ट्राइक करी इस मॉलिक्यूल ने। स्ट्राइक करने पर जब जस्ट इसने जब स्ट्राइक करी तब उस मॉलिक्यूल कुछ टाइम के लिए रेस्ट में आया होगा। मान लो ये मेरा मॉलिक्यूल ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, और ये मेरी जो फेस है इस फेस पे जब स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ टाइम के लिए एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए रुकेगा वापस से उस डायरेक्शन में जाने से पहले। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक इंस्टेंट टाइम पर ये मॉलिक्यूल मेरा रेस्ट में आ गया होगा, यानी कि उसके इस समय वेलोसिटी जो रहेगी वो वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, और इस टाइम पे इस मॉलिक्यूल की मेरी काइनेटिक जो एनर्जी रहेगी वो भी जीरो हो गई होगी। किस इंस्टेंट पर? ये जस्ट जब स्ट्राइक हुई है। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स फेज बी की ओर बढ़ना चालू करेगा, और फेज बी की ओर जब ये जाता है मॉलिक्यूल्स, तो इसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर हर पॉइंट पर इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होते होते ये मॉलिक्यूल्स मेरा फेज बी पर जब स्ट्राइक करेगा, तो जब स्ट्राइक करने से जस्ट पहले, यानी स्ट्राइक करने इस फेज बी से अपना सिर फोड़ने से पहले ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये मेरा मॉलिक्यूल जो रहेगा हाईएस्ट एनर्जी, मान लो हाईएस्ट वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लो ये मेरा मॉलिक्यूल हाईएस्ट वेलोसिटी इसने ऑक्यूपाई कर ली, कब? जब ये जीरो इंस्टेंट से चला, जब ये जीरो इंस्टेंट से चला फेस ए पे स्ट्राइक करने के बाद, ये जीरो इंस्टेंट से जब चला और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मान लो हाईएस्ट हो गई। ये हाईएस्ट वेलोसिटी कब होगी इसकी? ये हाईएस्ट वेलोसिटी है इसकी स्ट्राइक से जस्ट पहले की, स्ट्राइक से पहले की वेलोसिटी है ये। ये स्ट्राइक से पहले की इसकी वेलोसिटी है, यानी कि ये बी से टकराने से पहले इसकी ने हाईएस्ट वेलोसिटी ऑक्यूपाई की। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल के साथ में वो हर एक मॉलिक्यूल जीरो वेलोसिटी से हाईएस्ट वेलोसिटी पे जाता है, और हाईएस्ट वेलोसिटी पे जाने के बाद में ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स की वापस वेलोसिटी जो रहेगी वो जीरो हो जाएगी, और मेरा मॉलिक्यूल्स वापस मान लो ए की साइड ए डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, तो फिर वो जीरो से फिर हाई पर जाएगा। यानी कि हम सिंपल भाषा में इसको कहें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जीरो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी पर जाते हैं, और हाई वेलोसिटी से फिर से जीरो वेलोसिटी पर आते हैं, फिर हाई वेलोसिटी से फिर जीरो वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी पर जाएंगे, फिर हाई से जीरो पर जाएंगे। यानी कि ये जो क्रम रहता है ये मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स में चलता रहता है, और ये क्रम हर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। यानी कि जो सारे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे मेरे, जो गैसियस स्टेट के जो सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स किसके बीच में, या वो जो सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स जीरो वेलोसिटी से हाईएस्ट वेलोसिटी के बीच में, हाईएस्ट वेलोसिटी के बीच में, इस वेलोसिटी के बीच में कहीं ना कहीं मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? ये आया समझ में? तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, ये जो तमाम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स मान लो जीरो से हाई वेलोसिटी के बीच में मेरे 100% जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हमने एक गैस में लिए हैं, ये 100 मॉलिक्यूल जीरो से हाई वेलोसिटी के बीच में प्रेजेंट हैं। अब अगर हम देखते हैं कि मान लो मेरे ये वेलोसिटी मेरी एक, ये वेलोसिटी मेरी दो, ये वेलोसिटी तीन, ये वेलोसिटी चार, और ये मेरी पांच पर मान लो हाईएस्ट वेलोसिटी है, ये सब मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है। मान लो मैं बोलता हूँ कि मान लो मेरा जीरो और ये मेरी जीरो वेलोसिटी, अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पर मैं मान लेता हूं इन 100 में से मेरे 10 मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स मेरे जीरो वेलोसिटी पर हैं, मेरे 20 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेरे पांच वेलोसिटी पर हैं, मेरे 30 जो मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे 30 मॉलिक्यूल्स दो वेलोसिटी पर हैं, मेरे 40 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स मेरे तीन वेलोसिटी पर हैं, कितने हो गए 70, 80, 90, 100, और जो मेरे चार जीरो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे चार वेलोसिटी पर हैं। तो अगर मैं देखता हूँ तो मेरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाईएस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे 40 मॉलिक्यूल्स मेरी की कौन सी वेलोसिटी पर हैं अभी, तो 40 मॉलिक्यूल्स मेरे तीन वेलोसिटी पर हैं। यानी कि ये जो वेलोसिटी रहेगी, तीन जो नंबर की वेलोसिटी है, तीन जो वेलोसिटी, इसे मैं बोल दूंगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि जो ये वाली वेलोसिटी है मेरी, इस वेलोसिटी पर मेरा हाईएस्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और हाईएस्ट जो जिस वेलोसिटी पर मेरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम किसे बोलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उसे बोलते हैं हम
जिस इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जिस वेलोसिटी पर हाईएस्ट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं या हाईएस्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं या हाईएस्ट मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन रहता है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसे हम ग्राफ की मदद से अगर समझने की कोशिश करते हैं, मैक्सवेल साहब ने जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ की मदद से हम अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ जो था वेलोसिटी ये वेलोसिटी जीरो से लगा के हाई तक थे, इसके बीच में जो भी वेलोसिटी, और ये जो ग्राफ था ये मॉलिक्यूल ऑफ फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया था, डेल एन अपॉन एन। मॉलिक्यूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है वही मॉलिक्यूल के खंड या अंश, इसे हम बोलते हैं, या मॉलिक्यूल की संख्या बोल सकते हैं। अगर ये ग्राफ हम देखते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है, यानी कि जो ग्राफ की जो पीक आती है वो हमारी कुछ इस फ्रैक्शन पर आती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मेरे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स की हाईएस्ट जो संख्या रहेगी वो ना जीरो पर रहेगी ना ही वो हाईएस्ट पर रहेगी, वो हाईएस्ट और जीरो के बीच में कहीं पर रहेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मेरे हाईएस्ट मॉलिक्यूल जो रहेंगे, हाईएस्ट मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी ऑक्यूपाई करेंगे या जिस हाईएस्ट जो मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी कुछ यहाँ पर रहेगी जो कि जीरो और हाई के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो इस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आरटी अपॉन एम। ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जहां पे आर हमारा होता है, आर इज इक्वल टू होता है हमारा गैस कॉन्स्टेंट होता है, T इज इक्वल टू होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन में नापते हैं हम, और हमारा M इज इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। तो ये थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम उसे बोलते हैं जब हम जिस इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं किसी भी सैंपल के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो ये सैंपल है, इस सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, इन मॉलिक्यूल्स में से जो मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी रहेगी उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। नंबर दो की अगर हम बात करें, नंबर दो हमारी एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होती है, तो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक गैसियस सैंपल में, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की, हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी रहती है उस वेलोसिटी का जो मीन होता है उसे हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो रहती है, एवरेज वेलोसिटी किसे बोलते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी अगर किसी गैसियस सैंपल में, मान लो मेरे पास में एक गैस का सैंपल है, ये गैस का सैंपल है, इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, मान लो मेरे पास में N1, N2, N3 और N मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस गैस के सैंपल के अंदर, और N1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है V1, N2 की है V2, N3 की है V3 और VN, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। इन वेलोसिटी का मीन, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 VN का जो मीन होता है, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह से हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं उसे वही, उसी तरह का एवरेज है ये भी वेलोसिटी का, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल वी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एट आर टी अपॉन पाई एम। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वही आर हमारा गैस कॉन्स्टेंट, टी इज इक्वल्स टू हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस।
तो ये थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो वो होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नंबर तीन पर हमारी आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन, राइटिंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जितने भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है, v1 v2 v3 डैश 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 vn तक, उन वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, उन वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो और उन वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन निकाल दो और मीन का अंडरवुड कर दो। ये होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। कितना गंदा लिखते हो। ये होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो और उन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का मीन निकाल लो और उसका अंडरवुड कर दो, वो जो आता है उसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडरवुड 3RT अपॉन एम, जहां पे एम हमारा वही मोलर मास ऑफ गैस, आर इज इक्वल्स टू गैस कॉन्स्टेंट, टी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम बात करें तीनों वेलोसिटी के रिलेशन के बारे में, तो जो तीनों वेलोसिटी रहती है उनमें जो रिलेशन रहता है वो रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारा अल्फा वी और यू में जो रिलेशन की बात करें, तो हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 2RT अपॉन एम, वी इज इक्वल्स टू होता है हमारा 8RT अपॉन पाई एम, और यू इज इक्वल्स टू होता है हमारा 3RT अपॉन एम। अगर हम इनमें रिलेशन की बात करें, रिलेशन जो हमारा आता है वो रिलेशन हमारा रहता है अंडरवुड 2 रेशियो अंडरवुड 8 अपॉन पाई रेशियो अंडरवुड 3। ये हमारा तीनों वेलोसिटी में रिलेशन रहता है। तो इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात करी। इन जनरली हमने तीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पढ़ी, जो कि हमारी थी सबसे पहली जो वेलोसिटी थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरे नंबर पर हमारी थी एवरेज वेलोसिटी, और नंबर तीन पर हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ी। जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो रहती है वो हमें कहाँ से मिली थी, वो हमें मैक्सवेल के जो ग्राफ था उससे हमने समझने की उसको कोशिश की थी कि अगर कोई गैस रहती है तो उस गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग रहती है, और किसी इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मॉलिक्यूल्स के पास पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं टोटल मॉलिक्यूल, उनमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से जो हाईएस्ट मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से चलते हैं या जिस वेलोसिटी से मोशन करते हैं उसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम किसे बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी रहती है पर्टिकुलर अलग अलग पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो अलग अलग वेलोसिटी रहती है उस वेलोसिटी का मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसे बोलते हैं, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी रहती है उनका स्क्वायर कर दो, उनका मीन निकाल लो और अंडरवुड कर दो उनको, तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इनमें जो रिलेशन रहता है वो रिलेशन रहता है 2 रेशियो 8 अपॉन 5 अंडरवुड रेशियो 3 का रिलेशन रहता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिजन डायमीटर पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम कोलिजन नंबर पढ़ेंगे, और हमारा एक और टॉपिक उसमें रह जाता है वो फ्री पाथ पढ़ेंगे, जो कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसके बाद में हमारा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, जिसके बाद में जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करेंगे। लिक्विड स्टेट हमने अभी जो प्रीवियस जितने भी वीडियो थे 8 वीडियो जो हमारे आए हुए हैं उसमें हमने गैसियस स्टेट कवर किया, इन 2 वीडियो में हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कवर कर लेंगे, और जितने भी वीडियो फिर आएंगे उसमें हम लिक्विड स्टेट और उसके बाद में हम सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।